कलर लगाने के तीन तरीके देख लिए थे, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम जो है ना बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, बैकग्राउंड कलर की सिर्फ ये प्रॉपर्टी का नाम आपने लिखना है, बैकग्राउंड कलर, और कलर लगाने के वही तीन तरीके यहाँ भी अवेलेबल हैं कि जी RGB दे दें आप, या कलर नेम दे दें, या उसको आप दे दें हेक्स कोड। तो यही तीनों तरीके यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। अच्छा, CSS के अंदर अब जहाँ पे भी कलर की बात आएगी ना, तो वहाँ पे कलर लगाने की ये तीनों तरीके इसी तरह से अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब ज़रा बैकग्राउंड कलर का ना एक चीज़ समझ लें, बैकग्राउंड कलर में के ये कोड ज़रा ओपन कर लेते हैं ना। अच्छा, बैकग्राउंड कलर में एक चीज़ समझ लें, अगर ये हेडिंग है ये वाली, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो बॉर्डर से अंदर अंदर की तरफ होगा। अभी हम वो बॉक्स मॉडल अभी आगे आ जाएगा, वो हम पढ़ेंगे, तो बॉर्डर के अंदर अंदर सारा बैकग्राउंड होगा। तो अगर मैं इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ, तो ये जितना है, ये इस वक्त लाइट ब्लू दिख रहा है ना, ये इस जगह पे यहाँ तक अप्लाई होगा। अच्छा, ये जो मार्जिन है येलो, जो हल्का सा आपके प्रोजेक्टर पे ये हल्का सा येलो सा जो दिख रहा है, सही है, ये इस जगह पे और इस जगह पे जो आ रहा है उस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं ज़रा, ये वाला जो डिव है, अब ये ब्लू कलर जहाँ तक इस पे, क्योंकि कोई मार्जिन नहीं है तो मार्जिन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बॉर्डर भी नहीं है इस पे, मार्जिन भी नहीं है, इसलिए वो दोनों नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे रख के मैं इसको बोलता हूँ कि जी बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन होता है ना छोटा सा, कि डायरेक्ट मैं CSS लगा लूँ, तो मैंने बोला कि जी आपका जो है क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए। तो आप देखें ये जहाँ तक एलिमेंट था ये पूरा वहाँ तक अप्लाई हो गया। जो शुरू में इसने बताया था ना कि हर चीज़ को आप एक बॉक्स के तौर पे कंसिडर करें, तो ये पूरे बॉक्स पे अप्लाई होगा। अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में कवर कर लिया था कि जी एवरी कलर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज़ क्रिएटेड बाई मिक्सिंग अमाउंट ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। टू फाइंड आउट कलर व्हाट डू यू वांट, आप इसको इसमें से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन करें, इस तरह का कलर चूज़ हमारे पास आ रहा होता है VS कोड के अंदर। तो हम यहाँ से भी अगर किसी कलर का हमें नाम नहीं पता, जस्ट हमें विजुअली पता है कि ये दिखने में कैसा है, तो यहाँ से हम देख के उसको पकड़ सकते हैं उस कलर को। अच्छा, RGB की वैल्यू हमने देख ली थी, हेक्स कोड हमने देख लिया था, कलर नेम हमने देख लिया था। आज हम ये ज़रा देख लेते हैं कि कलर एक और है ना, हू सेचुरेशन ब्राइटनेस, एक ये भी कलर है, एक नया स्टैंडर्ड है ये, RGB के भी बाद है ये, क्योंकि हेक्स कोड और RGB तो असल में एक ही चीज़ है। ये इन्होंने पैराडिगम शिफ्ट किया है, एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये चौथा तरीका अब आप पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, क्या होता है जी ये, इसको हु प्रोनाउंस करते हैं ना, इसको बोलते हैं हु। तो हु इज़ नियर टू द कोलोकियल आइडिया ऑफ कलर। अब ये कोलोकुअल, पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है सही, हाँ ज़रा देखते हैं ना इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। कैलेक्वल, कैलेक्वल है प्रोनाउंसिएशन इसकी, कैल एक विल, कैलेक्वल ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। वेल, तो ये कैलेक्वल आइडिया जो है ये क्या है जी, कि वो नेचर में जो कलर की तरतीब है ना, ये उस तरतीब को इन्होंने मिमिक किया है इसमें। अच्छा, तो आप कभी रेमबो अगर देखेंगे बनता है जो, तो वो इस तरतीब से बनता है, या पानी के ऊपर अगर हम डाल दें कोई ऑयल वगैरह डाल दें पानी के ऊपर, तो उस पर भी एक कलर डेवलप होता है, जो एक्चुअली वो कलर क्या होता है, वो लाइट को बेंट करता है ना, तो कलर अलग अलग कर देता है वो। या प्रिज्म, आपने वो प्राइमरी क्लासेस में वो करवाते हैं ना प्रिज्म का प्रैक्टिकल, ये इस तरह से जो प्रैक्टिकल करवाते हैं कि जी इसको ये खिड़की से वो हल्की सी रोशनी आ रही होती है, वहाँ पे ये प्रिज्म को रख देते हैं, तो ये क्या करता है, लाइट को इस तरह से बेंट करता है कि सारे कलर ना अलग अलग कर देता है ये। तो आप देखें ये एक तरतीब है इसकी ना, कि ये रेड से शुरू होता है और ये ब्लू और इंडिगो पर जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप देखें ये वाला भी क्या हो रहा है, ये रेड से शुरू हो रहा है
और ये घूम के दोबारा रेड पे ही आ जा रहा है, क्योंकि ये सर्कल की सूरत में होता है, असल में ये ऐसे नहीं होता, ये एक सर्कल की सूरत में होता है। तो उस कलर के आइडिया को ना ये मिमिक कर रहा होता है। और सेचुरेशन क्या चीज़ होती है कि जी कितना सेचुरेटेड है कलर, कलर का अमाउंट कितना ज़्यादा है। अगर सेचुरेशन को मैं कम कर दूंगा तो इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, सेचुरेशन को बढ़ा दूंगा तो कलर बहुत ज़्यादा ज़्यादा भर जाएंगे कलर। अच्छा, ब्राइटनेस क्या होता है? अच्छा, वैसे ये सेचुरेशन की डेफिनेशन जो इन्होंने यहाँ लिखी है कि सेचुरेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ग्रे है ये, ठीक है, अमाउंट ऑफ ग्रे इन कलर। अच्छा, एट मैक्सिमम सेचुरेशन देयर विल बी नो ग्रे, ग्रे नहीं होगा तो इमेज ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कलर उसमें रिच हो जाएगी। और एट मिनिमम सेचुरेशन द कलर वुड बी मोस्टली ग्रे, अगर मैं सेचुरेशन को बिल्कुल कम कर दूंगा तो वो इमेज पूरी ग्रे हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रे स्केल, ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, अब ब्राइटनेस क्या चीज़ है भाई? ब्राइटनेस वैसे तो आपको पता है कि किसी फोटो की ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो वो क्या फिनोमेना होता है, लेकिन डेफिनेशन इन्होंने यहाँ लिखी है कि जी ब्राइटनेस रेफर्स टू हाउ मच ब्लैक इन अ कलर, कि कोई भी फोटो है या कोई भी इमेज है या कोई भी कलर है तो उसमें अमाउंट ऑफ ब्लैक कितना है। अच्छा, एट मैक्सिमम ब्राइटनेस देयर वुड बी नो ब्लैक, मैक्सिमम ब्राइटनेस में क्या होता है, इमेज पूरी सफ़ेद ही हो जाती है, बंदा भी दिखना बंद हो जाता है उसमें, पूरी सीधी सफ़ेद हो जाती है मैक्सिमम ब्राइटनेस पर, ठीक है। एट मिनिमम ब्राइटनेस द कलर वुड बी वेरी डार्क, अब अगर ब्राइटनेस को मैं बिल्कुल कम कर दूँ तो पूरी स्क्रीन ही ब्लैक हो जाती है, कुछ भी नज़र नहीं आता उसके अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने ना इन तीन चीज़ों को मिला के भी वो सारे के सारे 16 मिलियन कलर जो हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं, बल्कि 16 मिलियन से भी ज़्यादा कलर इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये अब जदीद जो स्क्रीन्स आ रही हैं उसमें 16 मिलियन से कहीं ज़्यादा कलर्स होते हैं, तो उनके लिए जो है ना ये वाला, ये नए स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। अच्छा, वैसे तो जो 16 मिलियन कलर कहते हैं ना, हर डिवाइस पे लिखा होता है जी 16 मिलियन कलर, वो असल में 16 मिलियन कलर हर डिवाइस प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है। 16 मिलियन कलर प्रोड्यूस करने के लिए उसके स्क्रीन में जो छोटी सी एलईडी लगी हुई है ना, हर पिक्सल इज़ एन एलईडी लाइट, तो उस एलईडी लाइट की जो इंटेंसिटी है कि वो कितना कम या कितना तेज़ वो जल सकती है, ये 0 से लेके 255 तक, यानी 255 लेवल्स होने चाहिए उसके, उसकी जो ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने के, ठीक है। तो आमतौर पे लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। जो आमतौर पे जो एलसीडीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे जो हल्की वाली होती हैं, जैसे वो छोटे स्मार्टफोन में आपको मैं दिखा रहा था, तो वो छोटे स्मार्टफोन में 16 मिलियन कलर नहीं होते, तो वो लिखा हुआ होता है जस्ट, लेकिन होते नहीं हैं। जो आरजीबी सपोर्ट करता है इसलिए जस्ट वो लिख देते हैं, वो असल में होता ये है कि वो 255 जो अलग अलग लेवल्स हैं ना एक लाइट के जलने के, यानी उसकी कितना तेज़ जल रही है वो लाइट, उसके 0 से लेके 255 है, तो 0 पे उसको बिल्कुल ऑफ़ हो जाना चाहिए, 0 पे उसको बिल्कुल ऑफ़ हो जाना चाहिए, और 255 पे उसको ब्राइट हो जाना चाहिए, जो भी मैक्सिमम ब्राइटनेस है। जैसे अभी मेरे आगे जो लैपटॉप पड़ा है, इसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 500 निट्स है, 500 NIT। ब्राइटनेस को या किसी भी रोशनी की जो इंटेंसिटी है उसको नापने के दो होते हैं पैरामीटर जो मोस्ट कॉमन है, एक होता है निट्स होता है, एक ल्यूमन होता है, दो होता है। जैसे प्रोजेक्टर की जो लाइट को नापा जाता है वो ल्यूमन में नापा जाता है, और स्क्रीन वगैरह के लिए आमतौर पे वो निट्स का इस्तेमाल करता है। तो जी 500 निट्स जो है वो इसका मैक्सिमम इसकी ब्राइटनेस है, तो 255 के ऊपर ना उसको पूरे 500 निट ब्राइटनेस बाहर निकालनी चाहिए, यानी बल्ब को 500 निट पे हो जाना चाहिए, और जब 0 हो ना तो उस बल्ब को कम्प्लीटली ऑफ हो जाना चाहिए, और इसके दरमियान में जब मैं एक एक करके लेवल बढ़ाऊँ तो एक एक करके बढ़ना चाहिए, जब जाके वो 16 मिलियन कलर पूरे प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। अच्छा, फिर एक और भी इसमें फैक्टर होता है कि जी वो एक एलईडी लाइट जो है उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, यानी वो असल में तीन एलईडी लाइट को जोड़ के एक बनाया हुआ होता है पिक्सल, तो उसमें जो रेड है वो कितना रेड है, उसमें जो रेड है वो कितना रेड है, उसमें जो ब्लू है वो कितना ब्लू है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि गाड़ी की जो हेडलाइट बैक लाइट होती है पीछे, गाड़ी की जो पीछे बैक लाइट होती है, जब गाड़ी नई नई होती है तो वो बहुत रेड होती है, लेकिन वो उसको रेड असल में बनाता है उसका ग्लास, अंदर तो शीशा हेलो, अंदर तो बल्ब उसके हेलोजन बल्ब लगा हुआ होता है जो पीला बल्ब होता है, लेकिन उसके ऊपर का जो ग्लास होता है वो रेड होता है, जिसकी वजह से वो रेड नज़र आती है आपको लाइट, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, धूप में खड़ी होती है गाड़ी, वो शीशे का जो रेड कलर है वो फेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट उतनी रेड नहीं रहती जितनी वो पहले थी,
ठीक है, तो एक ये फैक्टर है। तो एक तो इंटेंसिटी वो उसकी बड़ी कंट्रोल्ड ग्रिप होनी चाहिए, दूसरा कि वो यही 255 निट्स पे जब वो जाती है तो रोशनी तो 255 निट्स वो निकाल रही है, लेकिन आया कि वो कम्प्लीटली रेड है या वो फेड हो चुका है। ठीक है, तो आम तौर पे ये भी बहुत रेयर है कि जी कोई एलईडी लाइट हो वो रेड है तो वो कम्प्लीटली रेड हो, या ब्लू है तो वो कम्प्लीटली ब्लू हो। आप देखेंगे जी एलईडी लाइट, अगर आपने अलग से भी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है तो एलईडी लाइट जो होती है ना 1.5 वोल्ट की, अगर उसको 1.7 या 1.8 वोल्टेज दे दें तो वो ब्राइट होती है ना, तो वो सफ़ेद हो जाती है। ब्लू ब्लू एलईडी लाइट को अगर मैं थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज दे दूँ तो वो ब्लू नहीं रहती, फिर वो थोड़ा सफ़ेद होने मांगती है। या रेड को भी अगर मैं दे दूँ तो वो जितना तेज़ जलती है ना लाइट, वो उसका रेडनेस कम हो जाती है, वो सफ़ेद होने मांगती है। तो या ग्रीन में भी यही चक्कर है, तो ये एलईडी लाइट्स में ये वाला भी चक्कर है। तो 16 मिलियन जो कलर है ना वो अभी भी हर डिवाइस में आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ हाई एंड डिवाइसेस जो हैं वो 16 मिलियन कलर प्रोड्यूस करने के काबिल हैं, और आम डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसको कंपैरिजन इसका बड़ा आसान है। आप किसी जो अच्छा स्मार्टफोन आपके पास अगर कोई है हाई एंड, उसको आप साथ रख लें और साथ में वो छोटा वाला जो फीचर फ़ोन है उसको भी रख लें, तो आपको दोनों में सेम इमेज आप खोलेंगे आपको पता चल जाएगा, एक में इमेज बिल्कुल फीकी आ रही होगी, एक में थोड़ी सही आ रही होगी। ठीक है, या अगर जैसे जैसे आईफोन की जो एलसीडी है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, तो अगर कोई फ़ोन आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है मिड लेवल का, उस पर आप एक फ़ोटो खोलेंगे और एक हाई एंड आईफोन पे आप खोलेंगे तो वो भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे ना क्लेम करते हैं कि हम 16 मिलियन कलर दे जाते हैं। वैसे एप्पल वाले तो कभी लिखते नहीं है स्पेसिफिकेशन में, लेकिन स्टैंडर्ड वही फॉलो करते हैं ये भी। तो चक्कर ये हमें पता चला कि 16 मिलियन कलर इज़ वेरी रेयर। तो अच्छा, फिर जो जो क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है स्क्रीन के अंदर, एक हमारे पास जो स्मार्टफोन आजकल जो एंड्रॉयड के स्मार्टफोन है, जो मिड लेवल के मिड टीयर के जो फ़ोन है, उसमें जो एलसीडी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है दैट इज़ कॉल्ड टीएफटी डिस्प्ले। ठीक है, टीएफटी डिस्प्ले होती है या एलसीडी डिस्प्ले, एलसीडी एक डिस्प्ले की एक समझ लें एक कैटेगरी है, एलसीडी या टीएफटी डिस्प्ले होता है वो। तो फिर एक होता है आप कह लें उसको एमोलेड, तो ये अलग अलग डिस्प्ले की कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे जो टीएफटी डिस्प्ले होता है ना, उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो इंटेंसिटी इतनी कम नहीं कर सकता, वो इंटेंसिटी वो बिल्कुल अपनी कम नहीं कर पाता, वो बिल्कुल ब्लैक भी आप स्क्रीन खोलेंगे ना, जैसे अब आप देखें ये वाला मॉनिटर जो है इसमें मोस्ट प्रॉब्ली टीएफटी डिस्प्ले लगा हुआ है। अब आप देखें जो मॉनिटर बंद है और वो ऑन है, उसका ब्लैक वाला पार्ट और उसका ब्लैक वाला पार्ट आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, तो वो इंटेंसिटी ज़ीरो करने के बावजूद भी पूरा बंद नहीं हुआ है, वो पूरा बंद नहीं होगा। लेकिन जो एमोलेड डिस्प्ले होता है वो क्या होता है, अगर आप उसमें कोई ब्लैक पिक्चर खोली है ना आपने, आप फुल स्क्रीन पे अगर खोल देंगे तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये मॉनिटर बंद है या मॉनिटर ऑन है, वो इतना ब्लैक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो एप्पल के डिवाइसेस होती हैं इसमें ये रेटना डिस्प्ले, अच्छा रेटना वैसे कोई चीज़ नहीं है, है तो वही एमोलेड ही है, लेकिन एप्पल वालों की हरकत होती है कि हर चीज़ को एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक नाम दे दिया कि रेटना डिस्प्ले। अभी इन्होंने नया डिस्प्ले इंट्रोड्यूस करवाया, जो ये M1 वाला आईपैड एक निकाला है, तो उसमें मिनी एलईडी करके एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, वो इन्होंने ख़ुद बनाई है, वो किसी और के पास नहीं है, वो इन्होंने ख़ुद बनाई है, तो मिनी एलईडी है। तो उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि यार वो 1000 निट्स है, वो उसकी जो ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स है, यानी 1000 निट टॉर्च में होती है। यानी आप एक नॉर्मल सा टॉर्च लेंगे ना पूरा, यानी जलाते हैं पूरा कमरा रोशन हो जाता है, तो 1000 निट्स उसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है। तो और यानी जो ब्लैक है वो मोस्ट ब्लैक है, कह रहे दुनिया का सबसे ब्लैक डिस्प्ले है, अगर जो वो ब्लैक कलर दिखाता है उससे ज़्यादा ब्लैक कोई दिखा नहीं सकता। तो ये सारा अच्छा है, वो भी 16 मिलियन पे ही है कलर्स, यही RGB को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि एक पिक्सल के अंदर तीन बल्ब के बजाय ना सात बल्ब हों। मिसाल के तौर पे अभी अगर इनको ग्रीन कलर दिखाना है तो ये ग्रीन LED ऑन करते हैं, बाकी दोनों बंद कर देते हैं, लेकिन अगर येलो दिखाना होता है इनको तो इनको दो LED जलानी पड़ती है एटलीस्ट। येलो के लिए कौन सी जलानी पड़ेगी, ब्लू और ग्रीन जलानी पड़ेगी, तो इन दोनों मिलकर शायद येलो बनेगा। लेकिन आइडियली तो ये होना चाहिए कि ग्रीन का अपना एक बल्ब हो, क्योंकि ग्रीन कलर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कलर, ग्रीनरी जो दिखती है हमें सारी स्क्रीन पे वो ग्रीन कलर से दिखती है। तो आइडियली होना ये चाहिए कि ग्रीन का अलग एक बल्ब हो उसके अंदर और वो प्योर ग्रीन हो।
हाँ मतलब कह रहा हूँ मैं कि जैसे RGB है ना, तीन कलर हैं तो, हाँ येलो सॉरी मैं ग्रीन कह रहा हूँ, येलो येलो जो है ना, येलो का एक अपना बल्ब हो, तो इन फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि तीन LED की जगह चार या पांच LED हो। अब चार या पांच LED होगी तो उसमें फिर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कहीं और बहुत आगे निकल जाएगी। तो अभी जैसे ये होता है क्लास में जब लेट आया करो ना तो चुप से बैठ जाया करो, हाथ मिला रहे हो सबसे कुछ सुनने वाली तुम हरकतें करते हो, इतना लेट क्यों आए हो क्लास में यार, टाइम क्लास का बाइक दो बजे होती है क्लास यार, मैंने 15 मिनट लेट स्टार्ट की थी क्लास के, नहीं यार कोई बंदा फंस गया होगा कहीं, बड़ी देर में आए हो यार तुम। वेल तो ये इन्होंने ना नया कलर स्टैंडर्ड इसलिए बनाया है हू सैचुरेशन वाला, कि इसके अंदर ना अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी इसमें कैसे है। अच्छा यहाँ पे ज़रा कंट्रास्ट की भी बात हो रही है, व्हेन पिकिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, तो आपने ये ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर आपने ऐसा चूज़ करना है कि इनफ कंट्रास्ट आपको मिले, ठीक है। अब ये कंट्रास्ट है ना लो कंट्रास्ट है, इसमें पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा ये है हाई कंट्रास्ट, इसमें पढ़ा तो जा रहा है बहुत अच्छा, लेकिन ये आँखों में छुपता है, ठीक है। टेक्स्ट इज़ ईजियर टू रीड, देयर इज़ अ हाईलाइट कंट्रास्ट बिटवीन अ फोरग्राउंड, इफ़ यू वॉन्ट टू पीपल रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट ऑन योर पेज देन टू मच कंट्रास्ट कैन मेक इट हार्डर। कह रहे ये आप दो जुमले तो सही समझ आ गए इसमें, लेकिन आपने अगर लंबा पैराग्राफ अगर पढ़वाना है ना बंदे से तो ये आँखों में चुभेगा, ये इट मेक्स इट हार्डर। अच्छा मीडियम कंट्रास्ट आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा नीचे इन्होंने सजेशन भी दिए कि भाई अगर आप ना हाई कंट्रास्ट रखना ही है आपने, अगर दरमियान वाला, तो आप क्या करें टेक्स्ट का ना वेट बढ़ा दें, थोड़ा बोल्ड कर दें उसको, फिर सही हो जाएगा, फिर आंखों में तंग नहीं करेगा ये, ठीक है। हाई कंट्रास्ट अगर रखना है तो वेट बढ़ा दें फॉन्ट का। अच्छा अब इन्होंने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करवाई है जी, CSS3 में जो RGB है ना उसमें साथ में एक अल्फ़ा भी दे सकते हैं आप। अल्फ़ा क्या है जी, इसकी ओपेक्सिटी है। अल्फ़ा बाई डिफ़ॉल्ट होता है 1, ये 0 से लेके 1 तक का एक वैल्यू होती है। 0 का मतलब है कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और 1 का मतलब है कि बिल्कुल ओपेक, ठीक है। 0 का मतलब है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और 1 का मतलब है कि बिल्कुल ओपेक। 0.5 का क्या मतलब हुआ, 50% ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो आप नीचे देखें ये 50% ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा कह रहे कि कुछ ओल्डर ब्राउज़र में ना हो सकता है ये सपोर्ट ना करे, लेकिन ओल्डर ब्राउज़र की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बंदा अपना ब्राउज़र अपडेट करे भाई, ठीक है। ये 2009 में कह रहा है कि ओल्डर ब्राउज़र, तो अब तो वो वाले ओल्डर ब्राउज़र ख़त्म हो गए। अच्छा ये ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस पर दोबारा वापस आ गए। CSS3 इंट्रोड्यूसेस एन एंटायरली न्यू एंड इंट्यूटिव वे टू स्पेसिफाई कलर्स यूजिंग हू सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अब ये इंट्यूटिव कौन बताएगा मुझे क्या चीज़ होती है, हाँ ये जो इंट्यूटिव डेफिनेशन भी मैंने खोल दिया आगे आपके, पढ़ो इसको और बताओ कि इंट्यूटिव का क्या मतलब है। हाँ भाई क्या समझ आया, इन्होंने लिखा है कि यूजिंग और बेस्ड ऑन व्हाट वन फील्स टू बी ट्रू इवन विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। अच्छा इंट्यूटिव जो मेरा ओपिनियन है कि मुझे क्या समझ आया इससे, कि कोई ऐसी चीज़ जो आप देखते हैं रोज़मर्रा, आपको पता है यार ये ऐसे ही होता है, आपको पता है ये ऐसे ही होता है,
मिसाल के तौर पर अगर चाय का कप रखा हुआ है तो आपको पता है कि चाय का कप गर्म ही होता है ना, आपको दिख नहीं रहा, कोई धुआं निकलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन आप एज्यूम कर रहे हैं गर्म ही होगा ये, तो आप उसको ऑटोमेटिकली ना हैंडल से पकड़ेंगे, आप कप पर हाथ नहीं लगाएंगे डायरेक्ट। अच्छा, या मिसाल के तौर पर कोई नहर बह रही है थोड़ी सी, तो आपको पता है इसका पानी ठंडा होता है यार, पता है ना आपको पहले से ही। अच्छा, तो आप उसमें हाथ डालेंगे बेला झिझक। अब अगर आप कभी हाथ उसमें डालें और पानी खोलता वो, तो आप बोलेंगे कि यार ये तो कुछ, ये क्या हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा, इसी तरीके से बिजली का जो बोर्ड है उसके अंदर करंट होता है, आपको पता है तार पकड़ेंगे तो करंट तो लगेगा, दिख नहीं रहा आपको तार में करंट दिख नहीं रहा, लेकिन आप मान रहे हैं कि हाँ इसमें करंट हो सकता है। वैसे ही अगर कोई तार लटकी है, छिली हुई तार, तो आप उसको हाथ लगाने से पहले सोचेंगे, हालांकि आपको पता नहीं है कि ये तार वाकई बिजली है इसमें या नहीं है, दिख कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आप एज्यूम करेंगे कि यार ये है। तो ये इंट्यूटिव ये वाला होता है चक्कर, जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे समझ आ रहा है इससे। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि यार ये इंट्यूटिव वे निकाला है हमने कलर को स्पेसिफाई करने का, तो ये कह रहे हैं कि यार कलर इसी तरह स्पेसिफाई होता है, ठीक है, कलर इसी तरह होता है, सात कलर यही होते हैं। तो वेल, अब ये कितना इंट्यूटिव है ये तो अभी पता चल जाएगा। पूछो, हाँ पूछो, आर जी बी, हाँ ये तुम 10 मिनट पहले आते ना तो यही बात की है हमने कि अगर कंप्यूटर में अभी तो 3 कलर हैं, 7 कलर भी आ सकते हैं, अभी आए नहीं हैं, आ सकते हैं इन फ्यूचर, यही होगा HSL होगा उसके लिए, अब अगर उससे ज़्यादा कलर होंगे तो। HSL जो है इस पर RGB पे बेस नहीं करता ना, वो सिर्फ कलर बताता है कि यार ये कलर होगा। तो खैर, तो अच्छा ये तो हमने देख लिया तीनों की क्या चीज़ होती है ये तीनों, अब इसको लगाते कैसे ज़रा वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो होता है ना, जो हु लगाते हैं वो हम कैसे लगाते हैं, दिस इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन एंगल बिटवीन 0 to 360 degrees, ठीक है, 0 to 360 degrees तक का हम एक एंगल बताते हैं। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि अगर इसमें मैं 0 degree दूँ तो वो कहाँ पर आएगा, मतलब कौन सा कलर है वो? हाँ, ग्रीन, ये 0 degree इधर होता है, हाँ नहीं ये तो चलो 90 है, ये क्या है और ये क्या है, ये 0 है और ये जो है वो तुम्हारे ख्याल में 180 है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ ना 360 degree और हम इमेज पे चले जाते हैं भाई, हाँ अब आ जाते हैं और इसमें देख लेते हैं कि 0 किधर है, किधर है 0? अच्छा, एक जो हमारे पास जो डी होता है ना वो हाफ होता है, वो 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री में वो इधर भी से भी 0 शुरू किया हुआ होता है, उन्होंने इधर से भी 0 शुरू किया हुआ होता है। नहीं, बात तो एक ही है, वो तो बात सही है कि जब हम कहते हैं ना कि दो लकीरों का जो डिस्टेंस है वो कितने डिग्री का है ना, यानी कितने डिग्री का ये ट्रायंगल है, तो वो तो चलो सही है कि हम इस तरफ से नापें या उस तरफ से नापें, बात तो एक ही है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो ओरिजिन होता है, सही है, वो ओरिजिन क्या होता है, जो एक लकीर और दूसरी लकीर होती है, बट जब हम पूरे 360 की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने, हाँ किसी ने इधर दिया हुआ 0 और मैथ में इस तरफ से शुरू होता है, अच्छा दोनों ही मिल रहा है, किसी ने इधर से किया हुआ है, किसी ने उधर से किया हुआ है, नहीं मगर इसमें 0 degree कहाँ होगा, असल सवाल ये,
अब लिख कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें ये क्या मान रहे हैं 0 डिग्री। ठीक है, आया कि ये टॉप से तो नहीं शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि ये कहाँ से शुरू कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो है ना नीचे वाले पे जो पिन पॉइंट लिखा है ना हमने, इस पिन पॉइंट वाले पे हम एक ज़रा लगा लेते हैं। बैकग्राउंड कलर HSL करके जो है ना मैं लगा देता हूँ, और हु में लगा देता हूँ 0। और सैचुरेशन हमने क्या कहा था, सैचुरेशन क्या चीज़ होती है कि जब सैचुरेटेड होगा ना 100 होगा जब ये, ठीक है, यहाँ पे जब ये 100% होगा, कहाँ गया वो हमारा सैचुरेशन, जब 100% होगी ना इसका मतलब है कि वो कलर पूरा दिखे, ठीक है। और लाइटनेस यानी कि ब्राइटनेस है, जब ये भी 100% होगी तो क्या होगा, ये पूरा वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस ब्राइटनेस को 50% रखना होगा और ये हमारे पास देखें पूरा वाइट हो गया, ठीक है। अब जब मैं इस लाइटनेस को थोड़ा कम करूँगा ना 50% करूँगा, तो अब आप देखें ये रेड हो गया, ठीक है। और सैचुरेशन जो है अगर मैं इसको 50% कर दूँगा तो आधा ग्रे हो जाएगा, ये देखें डिम हो गया थोड़ा, कलर रेड है अभी भी लेकिन ये डिम हो गया, अरे हट जा, ठीक है। जैसे मैं इसको 70 करूँगा तो ये थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगा, 80 करूँगा तो थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये मुझे रखना है 100, ठीक है। और ये जो ब्राइटनेस है ना ये मुझे 50% रखनी है, क्योंकि ब्राइटनेस को मुझे दरमियाना रखना है, ठीक है। ब्राइटनेस को जैसे जैसे मैं अब देखें बढ़ाता जाऊँगा, ये और 70 किया मैंने तो ये वाइट होता चला जाएगा, सही है। 90 पे बिल्कुल वाइट हो गया और 100 पे पूरा ही वाइट हो जाएगा, और 40 अगर करूँगा मैं इसको तो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। ज़ीरो रेड से शुरू होता है। अच्छा, तो ये हमने देखा कि ये इंट्यूटिव कलर जो कह रहा था वो समझ आ रहा है आपको, ये क्या चक्कर है। ये इंट्यूटिव कलर इस तरह से कह रहा है कि भाई कितने डिग्री पे होगा और कितने परसेंट होगा, ठीक है। रेड को थोड़ा हल्का करना है मुझे, तो हल्का करने में मैं इसको 70 कर दूंगा, रेड हल्का हो गया। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ानी है मैंने तो मैं 60 कर दूंगा, ये बन गया 70 कर दूंगा, ये बढ़ गया। और अब ये काम जो है ना मुझे RGB में करने में बड़ा मसला होता है, मुझे खुद मसला होता है, RGB में ये काम नहीं होता मेरे से। अच्छा, अब इसको ये तो हो गया ना, वापस इसको अपनी जगह पे ले आते हैं, इसको 50 कर दिया सीधा सीधा, ओ सॉरी इसको 50 तो इसको करना था ना, इसको 100 कर दिया। अब यहाँ से हम ज़रा एंगल चलाते हैं, अब 45 डिग्री पे क्या है, येलो है। अब आगे देख लेते हैं बुक में कि 45 डिग्री पे येलो है, टॉप से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो टॉप पे ही है ना रेड, जीरो टॉप पे है ना, 45 यहाँ आ गया। अब 45 के बाद 90 किधर आएगा, अब 90 इधर आएगा। अच्छा, तो ये 360 डिग्री है लेकिन शुरू ये टॉप से हो रहा है, तो शुरू कहीं से भी करेंगे तो जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से ही कितना डिग्री है, ठीक है। तो मैं 90 डिग्री करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ ग्रीन हो गया ये। अब ग्रीन के बाद 90 और प्लस 45 कितना होता है, 135 डिग्री करूँगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, कुछ ग्रीन डार्क ग्रीन हो जाएगा 135, ठीक है, डार्क ग्रीन हो गया। 140 पे भी ये डार्क ग्रीन है, इसको अब मैं 170 करूँगा तो ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन से किसकी तरफ, क्या कहलाता है ये कलर, हाँ एक्वा की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। इसको मजेंटा तो रेड रेड होता है, ठीक है। तो 250 पे ले गया मैं तो ये देखें ब्लू आ गया, यानी ये इस जगह पर आ गया। और अब मैं मज़ीद 360 तक ये जाएगा पूरा, तो इसको मैं अब डायरेक्ट 300 पे ले जाता हूँ, 300 पे ये मजेंटा कलर आ गया, ठीक है। 320 मजेंटा चेंज हुआ, 330 340 येलोइश की तरफ जाता जा रहा है, तो 340 पे आते आते देखें ये दोबारा रेड हो गया, पूरा रेड नहीं है ये, काइंड ऑफ मजेंटा है लेकिन ऑलमोस्ट ये रेड होता जा रहा है, ठीक है। 350 और ये 360 पे ये दोबारा रेड पे पहुंच गया, ठीक है। ये 360 पे जो दोबारा रेड पे पहुंच गया, क्योंकि रेड यहाँ तक है रेड है और ये यहाँ तक रेड है,
और ये ग्रेडियंटली इसके ऊपर से ना येलो हो रहा है फिर रेड। तो ये है भाई हू सिचुएशन लाइटनेस। अच्छा लास्ट में इसके क्या है एंग ए है जो ए इज मींस अल्फा। वन जो है ना इसका डिफॉल्ट है, वन रखने से क्या होता है ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है जी, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है ये। अब इसको मैं जैसे जैसे करूँगा कम, यानी कि 0.5 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब क्योंकि इसके पीछे कुछ है नहीं तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके पीछे अगर कुछ होता तो वो मुझे दिखता, ठीक है। इसके पीछे कुछ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पोजीशन के ऊपर अभी हम आएंगे ना तो उससे ही हमें पता चल जाएगा कि जब हम पोजीशन चेंज करके एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं ना एलिमेंट्स को, तो हम ये उस वक्त देखेंगे कि वाकई ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है जी, कलर का ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। समरी पढ़ लें फिर हम अगले चैप्टर पे मूव करते हैं।